भगवा वस्त्र क्या कोई भी ग्रहण कर सकता है या इसको किसी सिद्धि के बाद धारण करते हैं जैसे कराटे में बेल्ट होती है उसी तरह हिंदू धर्म में भी किसी सिद्धि की प्राप्ति के बाद ही हम हमेशा के लिए इसको धारण करते हैं या अनुमति होती है पहली बात तो यह कि इसका सिद्धि से कोई लेना देना नहीं हमारे यहाँ जो ये भगवा वस्त्र की जो आ, प्रथा चली है कहो जो ट्रेडिशन चला है वो शंकराचार्य से चला है। उसके पहले आदिशंकर से पहले आ, ऐसी रंग की या ऐसे नियमों की कोई विधान हमको मिलती नहीं लेकिन शंकराचार्य जी ने इसको रूल्स बनाए थे कि ये कौन पहन सकता है हालांकि उस उन नियमों का पालन अक्सर कर लोग नहीं करते हैं तो भगवा पहनने के कई लोगों के बड़े अजीब अजीब कारण होते जैसे किसी की पत्नी मर गई वो दुखी हो गया वो तो कहते भगवा पहन लो साधु बन जाओ किसी के बाल बच्चे मर गए घर उजड़ गया क्या करें बोले साधु बन जाओ किसी को खाने कमाने की दिक्कत हो रही थी और लाल कपड़े में तो इज्जत भी मिलती है और रोटी भी मिलती है तो वो इज्जत पाने के लिए भगवा पहन लेता है इस कारण हर भगवे की कहानी वो नहीं है जो होनी चाहिए कुछ कठोर नियम कुछ कठोर मापदंड दिए गए ये मापदंड गुरु नापता है शिष्य खुद से नहीं कह सकता है कि वो ये तो कह सकता है कि मैं अब पूर्ण रूप इनसे समर्पित होने को तैयार हूं पर वो ये नहीं कह सकता है कि मैं मैं वास्तव में सन्यासी होने को तैयार हूं मतलब खुद को खुद ही नंबर कैसे तुम दे सकते हो ना एग्जाम दीजिए नंबर तो कोई और देगा ना तो विद्या वैराग्य संयम और संसार की कोई मैंने कोई मजबूरी नहीं थी कोई दुख भी नहीं था कोई दुख की कहानी नहीं थी कोई पीड़ा नहीं थी कोई कष्ट नहीं था सिर्फ ज्ञान की भूख थी और संयमित जीवन जीने की इच्छा थी तो उनके लिए फिर दस नामी संन्यास की ये शुरू में दस थे फिर बारह हुए हर खाड़े अलग अलग दर्शन शास्त्र को कोई भक्ति के हैं कोई योग के हैं कोई सांख्य के हैं कोई वेदांत के है अलग अलग हैं तो उसमें आपकी जो संगति है वो किस गुरु के साथ रही है फिर वो गुरु के अंतर्गत रह करके साधना की जाए और गुरु देखता है कि उसके लिए तैयार भी है या नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बोला ना साधुओं के प्रकार मैंने सुने थे बहुत साल पहले झांसी में एक उत्तर प्रदेश के स्वामी जी थे वो बोल रहे थे कह रहे थे पेट चपेट लपेट ठेठ चार तरह के साधु होते पहला पेट सिर्फ रोटी खाने के लिए साधु बना दूसरा चपेट दुनिया की कोई मार पड़ गई हाँ मैंने तो ऐसे भी सुने दो चार कत्ल कर दिए थे जाके फिर सन्यास ले लिया मुझे ऐसे भी साधु मिले वो खुद ही बता रहे थे बोले दो झटका दिए फिर बड़ा पश्चाताप हुआ फिर हरिद्वार चले गए गुरु जी को बोलो सन्यास दे दो उनने भी दे दिया मैं वाह अद्भुत तो अपनी आइडेंटिटी छुपा ली है उन्होंने और वर्तमान में भी वो कोई बहुत श्रेष्ठ जीवन नहीं जी रहे तो पेट चपेट और तीसरे हैं लपेट लपेट मतलब लपेट मतलब किसी बड़े अच्छे ज्ञानी गुरु के प्रेम और श्रद्धा में इतना लिपटे कि उनके पीछे पीछे हो लिए क्योंकि वो भगवा पहनते थे इसलिए फिर इनके भी भगवा हो गए और ठेठ साधु उसको कहते हैं जो ज्ञान और वैराग्य की वजह से इस मार्ग को चुनता है तो चार ही बरायती है तो पेट और चपेट वाला तो पूरे समाज के लिए खतरनाक होता तो जहां उसके पास रुपया पैसा आया उसकी सारी अयाशियां बाहर निकल आएंगी जो पेट और चपेट वाला है उसके अंदर ज्ञान है नहीं है नहीं संयम क्या है उसको पता नहीं है कुछ भी फिर कई सारे वो क्या मंदिर आश्रम होते हैं तो फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं है तो कई बार फिर वो देखते हैं भी कोई तो मिल जाए जो इसको संभाल ले कि संपत्ति है कि मंदिर है कि ये है कौन संभालेगा तो जो मिल जाए उसी को पकड़ के साधु बना के बैठा देते हैं चलो बन जाओ साधु अब चलाओ भी इसको पर अगर अंदर वैराग्य ज्ञान नहीं है और अश्रद्धाहीन और असंयम ही है उससे ज्यादा खतरनाक कोई व्यक्ति हो नहीं सकता आइए जितने आप स्कैंडल सुनते हो ना अखबारों में और टीवी में इन्हें ये किया इन्हें ये किया ये वही है पेट और चपेट वाले ही होते हैं जो और जो ठेठ साधु हैं महाराज उनका तो होना इस पृथ्वी को आशीर्वाद होता है और इन इन ठेठ साधुओं के प्रेम में जो पड़ जाते हैं फिर वही ज्ञान और वैराग्य के जीवन को जीने लग जाते हैं तो ये भी धरती के आशीर्वाद होते हर साधु ठेठ नहीं है हर साधु लपेट वाला साधु नहीं है ये बड़ा मुश्किल है एक आम आदमी के लिए समझ पाना कौन क्या है तो तो समय के बाद पता चलता है या जब कांड कोई करेगा तो पता चलेगा कईयों के कांड छिपे रह जाते बाहर नहीं आते कईयों के बाहर आ जाते बड़ी बड़ी समस्या है और स्कंद पुराण में महादेव देवी पार्वती को कहते हैं कि जिनके पाप कर्म अधिक होते हैं उन्हीं को ढोसला गुरु मिलेगा दिखाएगा कुछ होगा कुछ करेगा कुछ सोचता कुछ और है करता कुछ और है धर्म की दुकान बना देगा इसलिए किसी पर जल्दी से उंगली भी नहीं उठाइए और किसी को भी बहुत जल्दी साधु भी स्वीकार ना करना चाहो मत करो लेकिन एक चीज तय है कि भारत देश में भगवे वस्त्र का जो सम्मान है वो सम्मान पैसा इज्जत या अखाड़ा या कितनी संपत्ति उसके पास है उससे नहीं है यह अग्नि का रंग है अग्नि जब जलती है चूल्हे में तो उस ईंधन को स्वाहा करती है और अग्नि जब जलती है चिता में तो मुर्दे को स्वाहा करती है तो भगवा रंग मतलब वो अग्नि है अग्नि का रंग है तो जो अपने मन से विषय भोग वासना अज्ञान को जलाना चाहता है और संयम सेवा साधना सुमिरन स्वाध्याय जिसके जीवन में आ जाता है तो फिर किसी सही समय पर जब वो फिर प्रार्थना करेगा अपने गुरु को कि मुझे संन्यास दीजिए तो गुरु अगर समझेगा कि यह योग्य है तो दे देगा और अगर गुरु को ऐसा लगे कि नहीं अभी ये तैयार नहीं है तो गुरु मना कर देगा पर ये भी एक बड़ा कड़वा सच है कुछ गुरु तैयारी ही बैठे हैं सन्यास देने के लिए और कुछ चले तैयारी बैठे हैं सन्यास लेने के लिए क्योंकि उनके कारण ठीक नहीं है ना तो वैराग्य संयम ज्ञान की पिपासा और सबसे बड़ी चीज है कि वो धर्म का एक एक क्या बोले ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती भगवा वस्त्र एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिस गुरु को फॉलो करता है उसकी जिस धर्म को फॉलो कर रहा है उसकी तो जैसे पुलिस की वर्दी पहन के अगर कोई रिश्वतखोरी करे तो उसको दंड बहुत ज्यादा मिलता है और मिलना भी चाहिए ऐसे ही फिर चेलों पर उसकी तरक्की उन्नति साधन मार्ग में है नहीं है इसलिए गुरु को ये सब देखना है उसकी जिम्मेदारी होती है और शिष्य अपनी जिम्मेदारी को समझता है और ये बहुत जिम्मेदारी से अगर होता है तो इससे उत्तम क्या ही है ना फिर जिन माया ममता तजी जगते पहे उदास बोले ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अब मोह नहीं रहा आसक्ति नहीं रही और जगत से जो उदासीन हो गया तैनर्मा थे भाग बहुत भाग्यशाली होता